आप देख रहे हैं यूलैक इलेक्ट्रॉनिक्स। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको TDA 7388 के सर्किट डायग्राम के बारे में बताने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था इस TDA 7388 एम्पलीफायर के बारे में, तो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इसका सर्किट डायग्राम बनाकर दिखाइए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सर्किट डायग्राम है इसका बहुत ही छोटा है और इसमें बहुत कम कॉम्पोनेंट में आप 4 चैनल का एम्पलीफायर बना सकते हैं। और इसको मैंने इतना आसान तरीका से मैं बताने वाला हूं दोस्तों कि आप अपने घर पे बहुत अच्छे तरीका से इसका सर्किट डायग्राम को देखते हुए आप एम्पलीफायर बना सकते हो। तो यहाँ पे जो पिन होता है आगे और पीछे, ठीक है, उसी प्रकार से मैंने यहाँ पे डॉट लगा के यहाँ पे जो पीछे का लैग है उसको मैंने डॉट में लगा दिया है, और आगे वाला डॉट मतलब यहाँ पर आगे वाला का है, ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए मैंने यहाँ पर पिन का नंबर और उसका कौन सा काम है उसको मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिख दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपोनेंट जो है इसमें बहुत कम लगेंगे, जहाँ पे जो लगेगा मैं आपको सर्किट डायग्राम में दिखाते चलूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जान लेते हैं कि इसमें टोटल पिन हमारा 25 पिन है, ठीक है। स्टार्ट यहाँ से होता है एक और यहाँ पर लास्ट होता है। तो यहाँ पर हमारा एक है, दो है, फिर तीन है, फिर चार है, ठीक है। इस प्रकार से इसका आईसी का क्वांटिंग होता है और लास्ट हमारा यहाँ पे 25 है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 6 और 20, मतलब 4 नंबर पिन और 6 नंबर पिन और 20 नंबर पिन, ये 3 पिन में हमारा पावर प्लस जाएगा जो कि एक साथ शॉर्ट रहेगा, ठीक है। तो और उसके बाद नीचे जो है 1 नंबर पिन और 2 नंबर पिन, 8 नंबर पिन, 13 नंबर पिन, 18 और 24 नंबर पिन, ये जितना नंबर का यहाँ पे पिन है सब एक साथ GND होगा। और बाकी यहाँ पे उसी तरीका से मैं यहाँ पे सारा डिटेल्स मैंने दिया है और सभी पिन में मैंने नंबर डाल दिया है, एक यहाँ पे है और दो यहाँ पे, फिर तीन यहाँ पे, फिर चार यहाँ पे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते दोस्तों कि यहाँ पर जो 4, 6 और 20 है, तो ये इसको हम किस प्रकार से इसको कनेक्ट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं 4 नंबर पिन, 6 नंबर पिन और 20 नंबर पिन को, ठीक। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों 4 नंबर पिन और 6 नंबर पिन और 20 नंबर पिन इसको एक साथ इस प्रकार से शॉर्ट कर लेना है, ये हमारा पावर प्लस का हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे 1 नंबर पिन, 2 नंबर, 8 नंबर, 13 नंबर, 18 नंबर और 24 नंबर, ये हमारा GND है जो कि माइनस का है, ठीक है। तो इसको हम एक साथ शॉर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे GND के लिए मैंने यहाँ पे जो पिन का नंबर यहाँ पे दिखाया है उस सभी पिन को मैंने एक साथ कनेक्ट कर दिया है। तो आपको इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है, 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन एक साथ शॉर्ट रहेगा, फिर 8 नंबर में यही वायर जाएगा, फिर 13 नंबर मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट जम्पर लगा कर मैंने ऊपर ले गया है, और डायरेक्ट यहाँ पे 18 नंबर पिन और 24 नंबर पिन, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे जो मैंने ऊपर दिखाया था प्लस का। उसके बाद हमारा यहाँ पे आता है ऑडियो इनपुट, ठीक। तो ऑडियो इनपुट का जो हमारा नंबर है 11, 12, 14 और 15, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 11 और 12, 14 और 15, तो यहाँ से हमारा ऑडियो इनपुट के लिए हमारा कनेक्ट होगा। तो यहाँ पर मैंने जो 11 नंबर पिन और 12 नंबर पिन, 14 नंबर पिन और 15 पिन, तो यहाँ से 4 पिन जो आएगा तो उसमें सभी पिन में हम एक PF लगाएंगे जिसका नंबर होगा 104, ठीक है, इस प्रकार से जो कि देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको क्या करना है कि 2 चैनल को एक साथ कनेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो 11, 12, 14, 15, ठीक है, तो सभी पिन से हमें एक एक वायर लेना है, और यहाँ पे सभी पिन में हम एक 104 का PF लगाएंगे, सभी का वैल्यू 104 होगा, ठीक। और यहाँ पे 2 चैनल को एक साथ शॉर्ट करके यहाँ पे एक चैनल बनाएंगे जो कि हमारा लेफ्ट राइट यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट होगा और राइट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑडियो इनपुट का भी इस प्रकार से दे देना है, सभी PF का नंबर जो है यहाँ पे चारों PF का 104 होगा,
उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे स्पीकर का, तो स्पीकर का यहाँ पे हमारा टोटल पिन हो जाएगा 8 पिन। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर और 5 नंबर स्पीकर का है, 7 नंबर पिन और 9 नंबर पिन ये भी स्पीकर का है, यहाँ पे 17 नंबर पिन और 19 नंबर पिन ये भी स्पीकर का है, और 21 नंबर पिन और 23 नंबर पिन ये भी स्पीकर का है। ठीक है, 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन हमारा यहाँ पे है, 3 नंबर पिन और 5 नंबर पिन ये भी हमारा स्पीकर का है। तो यहाँ पे ये हमारा स्पीकर का आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 नंबर पिन और 5 नंबर से 2 स्पीकर हमारा यहाँ से आ जाता है और यहाँ से ये आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर और 19 नंबर यहाँ से भी स्पीकर का आउटपुट होगा, और 21 नंबर और 23 नंबर यहाँ से भी आउटपुट होगा। तो सेम पिन इधर बना हुआ है तो इधर से हमारा आउटपुट होगा। तो ये भी हमारा स्पीकर आउटपुट का हो जाएगा, 25 नंबर पिन हमारा खाली हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि जो हमारा यहाँ पे 10 नंबर पिन बचा और यहाँ पे 16 नंबर पिन बचा। ठीक है, तो यहाँ पे 22 नंबर पिन और 25 नंबर पिन ये हमारा बिल्कुल खाली रहेगा। ठीक है, जो पिन यूज में होगा दोस्तों मैं उसी को यहाँ पे सर्किट डायग्राम में दिखाऊंगा। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि हमारा 10 नंबर पिन और 16 नंबर पिन जो है ये हमारा खाली बचा हुआ है, तो इसमें करना क्या है, यहाँ पे कैपेसिटर लगाना है। तो ये जो दोनों कैपेसिटर देख पा रहे हो दोस्तों, तो जो 10 नंबर पिन में जो हमारा कैपेसिटर लगेगा वो यहाँ पे हमारा प्लस होगा और ये हमारा चला जाएगा माइनस में। ठीक, तो 10 नंबर पिन से और इसमें हमारा एक कैपेसिटर लगेगा जिसका वैल्यू होगा यहाँ पे 47 UF 63 वोल्ट। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया 47 UF 63 वोल्ट। ठीक है, उसी प्रकार से आपको 16 नंबर पिन में भी लगाना है। यहाँ पे 16 नंबर पिन में हमें प्लस देना है और यहाँ पे बगल में हमें माइनस देना है। ठीक है, तो इसका 1 UF होगा, आप 63 वोल्ट में दे सकते हो क्योंकि ज़्यादातर 1 UF 63 वोल्ट में ही आते हैं। तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा देना है। ठीक, जो कि यहाँ पे ये छोटा वाला कैपेसिटर दोनों लगा हुआ है, इस प्रकार से आपको कर देना है। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि इसमें पावर सप्लाई कहाँ देंगे, तो पावर सप्लाई के लिए मैंने आपको शुरू में बताया था यहाँ पर लेना है और यहाँ पर लेना है। ठीक है, तो जो हमारा 4 6 20 ये 4 6 20 वाला हमारा प्लस हो जाता है और बाकी ये हमारा GND हो जाता है। और यहाँ पे फिल्टर के लिए मैं यहाँ पे कैपेसिटर जो बड़ा वाला यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे ये दोनों पावर सप्लाई के बीच में। ठीक, तो जो हमारा प्लस है उसमें प्लस का लगाएंगे यहाँ पे कैपेसिटर को पिन देखते हुए, और जो माइनस है माइनस है। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो जाएगा और ये हमारा माइनस हो जाएगा कैपेसिटर का। और कैपेसिटर का जो वैल्यू दोस्तों 4700 देंगे और 16 वोल्ट से 25 वोल्ट के बीच में हम देंगे, तो यहाँ पे हम इसमें 25 वोल्ट ही देंगे। ठीक, तो 4700 UF और 25 वोल्ट का यहाँ पे हम कैपेसिटर लगा देंगे फिल्टर के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है, इतना में आपका एम्पलीफायर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जो ये सप्लाई का लगा हुआ ये ट्रांजिस्टर आप देख पा रहे हो, ये वोल्टेज रेगुलेटर जो कि 5 वोल्ट के लिए देता है। तो इसमें जो मेन आपका जो सर्किट डायग्राम दोस्तों 7788 का यही है। और दोस्तों यहाँ पे ये लगभग 40 वाट एक चैनल से आउटपुट करता है। ठीक है, तो आप इसमें अगर पावर सप्लाई जो यूज कीजिए तो लगभग 12 वोल्ट 10 एम्पियर 5 एम्पियर से लेकर 10 एम्पियर तक आप इसमें यूज कीजिए, तभी आपका जो साउंड है काफ़ी अच्छा यहाँ पे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप अपना एक 7788 का एम्पलीफायर बना सकते हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये सर्किट डायग्राम आपको अच्छा से कहीं और नहीं बताया होगा,
अगर ये आप सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए अगर एम्पलीफायर बनाते हैं तो बिल्कुल ये 100% की वर्क करेगा, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे जो एम्पलीफायर ये मैंने बनाकर दिखाया था, सेम सर्किट मैंने आपको यहाँ पे डिजाइन करके दिखाया है, और ये 100% की वर्क करता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिन वाई पिन को मैंने पूरा डिटेल्स के साथ यहाँ पे लिख दिया है कि कौन सा पिन हमारा किस काम के लिए, ठीक है। तो दोस्तों मैं ऐसा करता हूँ कि ये सर्किट डायग्राम आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।